हर दुश्मन हो रहा तैयार। भारत के खिलाफ हरकतों से नहीं आ रहा बाज। ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी कैनेडा आईपीएम की चाल। भारत को बदनाम करने की साजिश नहीं आएगी काम। जी, अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सोच रहे हैं कि वो भारत को बदनाम कर पाने में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया में भारत की स्थिति को खराब करने में कामयाब हो जाएंगे, भारत की छवि को दुनिया में धूमिल कर पाएंगे, तो वो शायद सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, शायद सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, शायद वो नए भारत से वाकिफ नहीं है। तभी तो कभी निज्जर को लेकर, कभी राजनयिकों को लेकर, तो कभी हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह को लेकर जहर उगल रहे हैं। जी, अब अपने पुराने राग से अलग जस्टिन ट्रूडो ने स्वास्तिक चिन्ह को लेकर गलत बात की है, स्वास्तिक चिन्ह पर भद्दी टिप्पणी की है, स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं, जब हम घृणित भाषा और कल्पना देखते या सुनते हैं तो हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। पार्लियामेंट हिल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्तिक का प्रदर्शन अस्वीकार्य है। कनाडियाई लोगों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन हम यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया या किसी भी प्रकार की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ट्रूडो ने बिना सोचे समझे ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन अब ये ट्वीट उनको ही भारी पड़ गया, क्योंकि ट्रूडो के इस ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर दिया गया। पॉलिटिकल कमेंटेटर मार्क तो कैनेडियाई संसद में नाजी को सम्मान दिलाने की बात ट्रूडो को याद दिलाने लगे। लिखते हैं, यू सेलिब्रेटेड अ लिटरल नाजी इन पार्लियामेंट। रूपा मूर्ति नाम की यूजर ने लिखा, कनाडा की संसद में नाजी यारोस्लाव हुंका के लिए खड़े होकर उनका अभिनंदन करने के बारे में क्या ख्याल है? खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देना, उन्हें राजनीतिक समर्थन के लिए इस्तेमाल करना और उन्हें भारत सरकार के अधिकारियों और हिंदुओं को खुलेआम मौत की धमकियां देने की अनुमति देना कैसा रहेगा? ये सब इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टीम बार्बी के मूर्ख नेता ने कनाडा में नफरत के इन कृत्यों को अनुमति दी है और देते आ रहे हैं। पत्रकार अनुपम के सिंह ने तो स्वास्तिक और नाजी के चिन्ह के बीच में ट्रूडो को मतलब समझा दिया है। लिखा है, आप हिंदू स्वास्तिक और ईसाई हुक्ड क्रॉस के बीच अंतर नहीं जानते और फिर भी आप खुद को पीएम कहते हैं। हिटलर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हुक्ड क्रॉस के साथ स्वास्तिक की तुलना करके हिंदू धर्म को बदनाम करने का ये जानबूझकर किया गया प्रयास बंद होना चाहिए। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है और सभी हिंदू अनुष्ठानों में इसे बनाया जाता है। यह हजारों वर्षों से पूजनीय रहा है। वहीं हुक्ड क्रॉस का इस्तेमाल नाजियों ने यहूदियों को मिटाने के लिए किया था। दोनों का बिल्कुल अलग अर्थ है और दोनों का अलग प्रतीक है। ट्रूडो जितनी जल्दी इस मतलब को समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। उन्हें हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह को यूं बदनाम करना काफी भारी पड़ सकता है। हिंदू अपने विचारों में जरूर लिबरल हो सकते हैं, लेकिन अब इतने मजबूत भी हो चुके हैं कि उनके धर्म पर आंख उठाने वालों को तगड़ा सबक भी सिखा सकते हैं। और ट्रूडो खुद ऐसी बात तब कर रहे हैं जब वही है जिन्होंने अभी हाल ही में संसद में बुलाकर एक नाजी युद्ध अपराधी को सम्मान दिया था, जिसके लिए हालांकि ट्रूडो को आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। उसके बाद अब ये स्वास्तिक को लेकर अपमानित कर देने वाली भाषा। आखिर ट्रूडो क्यों बार बार भारत से, हिंदुओं से पंगा ले रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो ने ही सिख आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराने के बेबुनियाद आरोप पहले भारत सरकार पर लगाए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते तल्ख हो गए। ट्रूडो की छवि भारत के खिलाफ काम करने वाले खालिस्तानी समर्थक आतंकियों के प्रति झुकाव वाली बन गई है। और अब ट्रूडो स्वास्तिक पर बैन लगाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लंबे समय से हिंदुओं के प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह को बैन करने की फिराक में हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई सख्त फैसला नहीं ले सके हैं। शायद जानते हैं कि गलती कर रहे हैं और उनको उनका ये फैसला आगे चलकर काफी भारी पड़ सकता है। वैसे कैनेडियाई पीएम ने जिस तरह से हिंदुओं के चिन्ह स्वास्तिक को बदनाम करने की साजिश रची है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।